जो फ्रेंडली मैच, एक जो हमारा मुद्दा है, जो विशेष मुद्दा है, वो सबका मुद्दा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे हिमाचल है, चाहे वो पूरा देश है। वो मुद्दा है देश को जो नशा है वो बर्बादी की ओर ले जा रहा है। उस नशे को रोकने के लिए आज एक प्रयास मैं कहूँगा चंडीगढ़ की ओर से किया गया, जहाँ गली क्रिकेट का आयोजन किया जाए, जहाँ 14 से 18 साल के युवा जो है वो इसमें भाग ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज पंजाब और हरियाणा के जो विधायक हैं उनको एनकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए आज हमने ये मैच का आयोजन किया है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, हमेशा नशे को रोकने के लिए, नशे को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो विधानसभा पंजाब है चाहे वो हरियाणा है, मिल करके लड़ने का प्रयास किया है। और आगे भी इस नशे को रोकने के लिए, नशे को खत्म करने के लिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम इकट्ठे मिल करके करें। सुंदर एक शुरुआत है जिसको मैं कह सकता हूँ, और मैं तो इनसे लड़ाई कर रहा हूँ कि आप लोगों ने, दोनों ने तो मैच कर लिया, हिमाचल को क्यों छोड़ दिया। और हिमाचल में भी इस प्रकार के आयोजन का अगर हमको निमंत्रण होता हम जरूर आते, लेकिन अच्छी शुरुआत हुई है। अब मैं इनको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप हिमाचल आइए, धर्मशाला आइए, हम ऐसे मैच का वहाँ पर आयोजन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों टीम के माध्यम से एक संदेश, सौहार्दपूर्ण एक भाईचारे का एक जो है एक संदेश जाएगा। और वहाँ दूसरी ओर से यूथ को एक अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए, उसको चैनलाइज करके सही दिशा में लगाना चाहिए, राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाना चाहिए। ये भी एक संदेश इस क्रिकेट के इस मैच के माध्यम से जाता है। और ख़ास तौर से एक प्रयास जो संजय टंडन जी विशेष तौर से जिसका कर रहे हैं, जो गली क्रिकेट, वो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसमें गांव में गरीब साधन सुविधा की कमी के कारण जिसको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता है, उसे अवसर प्राप्त होगा और वही बच्चे आगे बढ़ करके प्रदेश के लिए और देश के लिए अपना नाम रोशन करते हैं। अच्छी शुरुआत है। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग फॉलो करते हैं अपने लीडर्स को, और इससे बड़ा अच्छा संदेश जाएगा कि जिंदगी को स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए, खेल की तरह लेना चाहिए। जिंदगी है ये खेल, और हम खेलों से सीखते हैं कि कैसे जीत का जश्न मनाना, हार के दुख में से कैसे निकलना। और आजकल तो नशे का चलन बहुत होती है, नशा अगर हमें कम करना है तो हमें बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाना पड़ेगा।